ड्राइवर को आया नींद का झोंका और चली गई जान। मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नाक के नीचे पंचायत कर्मी कर रहे भ्रष्टाचार। तुमड़ी टोला की चेन्नई नदी में मिले बाघ के शव का मामला। किसी ने सही ही कहा है कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सुबह करीब 6 बजे रूपझर थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम चिखला झोड़ी के पास मुर्गियों से भरा छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से सीधे पुलिया के नीचे जा गिरा, जहां मौके पर ही चालक की मौत हो गई। वहीं परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार चालक शत्रुघ्न को अचानक नींद का झोंका आते ही वाहन से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सीधे पुल के नीचे गिर गया। गाड़ी वहां पलटी है क्या? माल लेके आना का? माल लेके आना है। अच्छा, तो यार देखिए घटना कैसी है। क्या हुआ घटना में? ड्राइवर खत्म हो गया। हेडनेट की सूचना मिली थी, ग्राम लोंगुर से चिकला झोड़ी के बीच आमा नाला पुल के पास एक पिकअप वाहन मुर्गी वाली, जिसमें मुर्गी लदे हैं, आमा नाला के पुल के नीचे एक्सीडेंट का हुआ, पलट गई है। जिले की जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पादरीगंज में मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उपयंत्री की मिली भगत से सरपंच सचिव द्वारा पाइप पुलिया और परकुलेशन टैंक में लाखों रुपये के फर्जी बिल, फर्जी मस्टर रोल जारी कर शासन की राशि का आहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पादरीगंज में पाइप पुलिया निर्माण की स्वीकृत राशि 7,54,000 की लागत राशि से कार्य कराया गया है। इस पुल में मात्र 6 पाइप लगाकर दोनों तरफ मात्र 5-5 मीटर वाला खड़ा किया गया है, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि अनुमानित लागत लगभग 2-3 लाख रुपए खर्च कर सरपंच सचिव द्वारा राशि का बंदरबांट किया गया है। आज मेरे मन में बचपन से बड़े होने तक की स्मृतियां हैं, तो मन एक संग्रहालय हुआ। मानव जीवन है तो हर जगह संग्रहालय है। ये बातें SDM गोपाल सोनी ने विश्व संग्रहालय दिवस कार्यक्रम में कहीं। इतिहास पुरातत्व शोध संस्थान और जिला पुरातत्व पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद DATCC के संयुक्त तत्वावधान में 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया गया। आज विश्व संग्रहालय दिवस जो 18 मई को मनाया जाता है, आज उस अवसर पर आज यहाँ बालाघाट के पंच चौराहे या तिराहा जो भी कहिए, यहाँ पर स्थित इस संग्रहालय में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और जो 1 मई से 15 मई तक जो हमारी बच्चियों ने और हमारे बच्चों ने यहाँ पर पुरातत्व के संबंध में, इतिहास के संबंध में और पुरानी सभ्यताओं की बहुत सारी चीज़ों को उकेरने के संबंध में जो प्रयास किया है, उनको लेकर आज उनको सम्मानित किया है। आज की जो एक महत्वपूर्ण चीज़ें ये हो रही है कि हम अपना इतिहास और अपनी सभ्यता भूलते जा रहे हैं। उस दौर पे ये बच्चे इतना अच्छा अपना प्रयास दे रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। आज विश्व संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य पे संग्रहालय जो बालाघाट में कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें सभी बच्चों ने जो विशेष मतलब संग्रहालय के संबंध में यहाँ के लोगों ने अध्ययन किया है, सराहनीय है। और यहाँ जो संग्रहालय के जो अध्यक्ष हैं गहरवार जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं। गत दिनों तुमड़ी टोला सावंगी के चेन्नई नदी में बाघ के शव मिलने के बाद हरकत में आए वन अमले को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें विद्युत करंट से बाघ का शिकार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। वन अमले ने 6 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 17 मार्च 2024 को चेन्नई नदी में बाघ पाया गया था, मिला था, और उस समय हम लोगों ने अज्ञात में दीवार पकड़ बंदीबद्ध किया था। और उस समय तत्काल में हमको आरोपी नहीं मिले थे, हमने डॉग स्क्वाड की भी मदद ली थी और हम लोग इसको काफ़ी खोजबीन किया, खासकर इसमें वन विकास निगम की टीम और वन परिक्षेत्र वारा सिंह
और सब लोगों ने मिलकर काम किया इसमें। इनके जो खेत के पास ही एक बरसाती पानी का नाला है, इन्होंने जीआई वायर के थ्रू खूंटियां लगा के करंट उसमें फैलाया और उस समय उस खेत में पानी भरा हुआ था। टाइगर का जब वहां से मूवमेंट हुआ होगा तो वो इलेक्ट्रोक्यूटेड हुआ, उसकी डेथ हुई। जिला कराटे स्पोर्ट्स प्रशिक्षण एवं एजुकेशन संघ के नव निर्मित अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी द्वारा 17 मई 2024 को राष्ट्रीय राज्य स्तर के खिलाड़ी एवं ब्लैक बेल्ट खिलाड़ियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर तथा बालाघाट जिला खेल एवं कल्याण अधिकारी कृष्ण कुमार चौरसिया एवं विशिष्ट रूप से अतिथि के रूप में तपेश असाटी एवं कार्यक्रम अध्यक्ष पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं संस्था संरक्षक अनिल धुवारे जी तथा पवार मादी समिति के अध्यक्ष आरपी देशमुख, संस्था सचिव संतोष पारधी उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। कराटे स्पोर्ट प्रशिक्षण एवं एजुकेशन संघ में अध्यक्ष देखो पारधी जी और गुहारी जी के द्वारा बना और भैया का इसमें पूरा गाइडेंस है, तो इस वक्त कुछ न कुछ हमारी विशेष उपलब्धि रहेगी। मैं चाहूँगा कि हर बच्चा आगे जाए, अभी जैसे नेपाल में जा ही रहा है।